नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव MP.com। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का विस्तार कब करेंगे, ये सवाल का जवाब जितना बीजेपी के लोग जानना चाहते हैं, इसके जवाब का बड़ी शिद्दत से इंतजार कांग्रेस में ही हो रहा है। यह यूं कहें कि कांग्रेस पूरी तरह से नजर लगा कर बैठी हुई है कि इधर शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो, रीशफलिंग हो, एक्सपेंशन हो, जो भी मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई एक्टिविटी सरकार करना चाहती है वो पूरी हो और उसके बाद कांग्रेस अपना असल दांव चलेगी, ऐसी प्लानिंग अभी होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के गलियारों में अटकलें हैं कि जिस वक्त शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा और उसके बाद जब पार्टी के नेताओं में असंतोष फैलेगा, फिर कांग्रेस अपनी सारे जो हुकुम के इक्के हैं, ट्रम्प कार्ड्स हैं, उसे चलेगी। दरअसल अभी जो शिवराज कैबिनेट है उसमें विंध्य और महाकौशल के विधायकों को बेहद कम जगह मिली है और बेहद कम संभावनाएं हैं कि वहां से बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को शामिल किया जा सके। यानी लीडर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और कैबिनेट में जगह बहुत कम है। इसके बाद बचे निगम मंडल, वहां आने के लिए भी लंबी कतार है। दूसरी तरफ जो स्पीकर का पद है उसके लिए भी लंबी कतार है। सिंधिया समर्थक अपना दावा पहले ही ठोक रहे हैं। इसके अलावा जैसे नारायण पटेल जैसे जो नेता है, जो किसी खेमे के लिए पार्टी छोड़कर नहीं आए पर बाद में उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की और अब चुनाव जीत चुके हैं, उनकी भी सीएम से मुलाकात हो चुकी है। संजय पाठक जिन्होंने काफ़ी अहम किरदार अदा किया ऑपरेशन लोटस में, वो भी हाल ही में सीएम से मुलाकात करके लौटे हैं, जिसे मंत्रिमंडल के लिए जो खींचतान है, भागदौड़ है, उसी का हिस्सा माना जा रहा है। नारायण पटेल वैसे तो यही कह चुके हैं कि ये शिवराज का ही फैसला होगा कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए या ना किया जाए। पर जब वो कहते हैं ना कि जब जहाँ आग दिखाई देती है, जहाँ धुआं होता है, आग भी वही लगी होती है, तो नारायण पटेल भी शायद किसी उम्मीदों के साथ ही भोपाल मुलाकात करने आए थे। तो अब देखना यह है कि शिवराज किस तरीके से पूरे कैबिनेट का संतुलन कुछ इस तरह बिठाते हैं कि कांग्रेस अपनी चाल में मात खा जाए। हालांकि इसकी संभावनाएं बहुत कम नजर आती हैं। जिस तरह असंतोष पर घात लगाकर बीजेपी बैठी थी कमलनाथ सरकार के दौरान, उसी तरह अब घात लगाकर कांग्रेस बैठी है और असंतोष नेताओं पर कांग्रेस की नज़र है। तो अगर शिवराज मंत्रिमंडल में संतुलन बनाने में कामयाब नहीं हुए तो हो सकता है बाजी मध्य प्रदेश में पलट भी जाए। हालांकि यही एक कारण भी माना जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार से। अब देखना यह है कि वो कब तक विस्तार को टाल पाते हैं और कांग्रेस कब तक सब्र रख कर मंत्रिमंडल के एक्सपेंशन का इंतजार करती है। नमस्कार।